हमारी स्वागत है आपका यूनियन डेली न्यूज चैनल में। न्यूज की शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग न्यूज के साथ। दुबई एक्सपो 2020 एक्सक्लूसिव में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, दुनिया देखेगी भारत की ताकत। 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2022 तक चलने वाले दुबई एक्सपो 2020 में भारतीय पवेलियन पूरी दुनिया को आकर्षित कर रहा है। यह पवेलियन 500 करोड़ रुपए से बना है। आइए जानते हैं पूरी बात यूनियन डेली न्यूज के साथ। दुबई एक्सपो 2020 की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना के चलते 2020 के एक्सपो का आयोजन 2021 में हो रहा है। 6 महीने का यह इवेंट 31 मार्च 2022 तक चलेगा। दुबई एक्सपो 2020 में लगभग 190 देश में लग रहे हैं। इस बार दुबई एक्सपो में भारत का दम पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि भारत का पवेलियन सबसे बड़ा है। पवेलियन के से भारत के ग्लोबल लीडर की तस्वीर दिखेगी। इस मौके पर न्यूज एंकर मंत्री पीयूष गोयल, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ खास बातचीत की। पीयूष गोयल ने कहा कि दुबई एक्सपो के जरिए विश्व को भारत की विशाल ताकत दिखाई जाएगी। आइए जानते हैं न्यूज एंकर और पीयूष गोयल के बीच की बातचीत। न्यूज एंकर ने सवाल किया कि दुनिया के सामने भारत की कौन सी छवि पेश होगी। पीयूष गोयल ने जवाब दिया, दुबई एक्सपो भारत की विशाल ताकत को दिखाएगा। एक्सपो के जरिए देश के समर्थ को भारतीय पवेलियन के जरिए दिखाएंगे। विश्व की जरूरतों को पूरा करने में भारत सक्षम है। एक्सपो के बाद भी भारत का पवेलियन बना रहेगा। दुबई के मंच से भारत की कौन सी तस्वीर दिखाई देगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में भारत की छवि बदली है। एक्सपो में तकनीक की दुनिया में भारत की नई तस्वीर देखेगी। साथ ही एक्सपो की दुनिया में भी भारत की नई तस्वीर देखेगी। ऊंचा परिवर्तन के शरण में भारत नेतृत्व कर रहा है। अब दुनिया को पता है कि भारत का समय आ गया है। भारत पर दुनिया की आस्था और विश्वास है। भारत के लिए ये एक चुनौती है या अवसर? कोरोना काल में भारत चुनौतियों से अच्छी तरह से निपटा है। कोविड काल में भारत ने डिजिटल विस्तार किया। स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान रखा गया। कोविड से पहले भारत ने कई बड़े कदम उठाए, जिनमें लोगों ने बैंक से जोड़ा, हर घर में बिजली पहुंचाई, हर जरूरतमंद तक गैस चूल्हा पहुंचाया, शौचालय बनाए। अगर इतनी सुविधा ना होती तो कोरोना में क्या होता? साथ ही वैक्सीन विकास में भी भारत ने आत्मनिर्भर बनकर दिखाया है। इस महीने 30 करोड़ वैक्सीन बनेगी। दुनिया देख रही है भारत के साथ। समझदारी जरूरी है। सप्लाई चेन की चुनौती के लिए कितना तैयार है भारत? भारत ने उम्मीद और दुआ आत्मविश्वास से भरे हैं। कोविड काल में भी भारत उम्मीद पर रड़ा उतरा है। दुनिया के हर कॉन्टेक्ट को हमने पूरा किया। विश्व को लगता है भारत का कम दो जितना मुक्ता रहो, क्योंकि भारत जिम्मेदारी को समझता भी है और निभाता भी है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य होगा पूरा। प्रधानमंत्री पहले जब कई वादे करते थे तो लोग हंसते थे। जब प्रधानमंत्री ने हर घर में शौचालय की बात की तो भी लोग हंसते थे। प्रधानमंत्री ने जब कहा सबका बैंक अकाउंट होगा तो लोग हंसे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया। प्रधानमंत्री बड़ा लक्ष्य रखते हैं और पूरा करते ही हैं। भारतीय पवेलियन पर दुनिया की नजर। बता दे, दुबई एक्सपो 2020 की थमी भारतीय प्रगति के पथ पर है, जिसके जरिए भारत को विकास और नवाचार के एक बड़े केंद्र के रूप में परिष्कृत किया गया है। इसमें खुलापन, संभावनाएं और युद्ध को खास के रूप में रखा गया है। 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2022 तक चलने वाले इस मेगा एक्सपो में भारतीय पवेलियन पूरी दुनिया को आकर्षित कर रहा है। यह पवेलियन 500 करोड़ रुपए से बना है। भारत के पवेलियन में आत्मनिर्भर भारत, स्पेस, डिजिटल हेल्थ केयर की झलक देखी जा सकती है, जिसमें 600
ब्लॉक और चार ताले बनाए गए हैं जिनमें भारत की आस्तिक प्रगति और परिषद किया गया है। आपको बता दे तो सेंट्रल गुबात बनाने में 550 टन स्लीट का इस्तेमाल किया गया है। एक्सपो भारत की मौजूदा प्रगति के साथ साथ यह भी दिखा रहा है कि वह कैसे ग्लोबल लीडर बन रहा है। एक्सपो में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग के आने की उम्मीद है। इसी के साथ आज इतना ही, धन्यवाद। इससे और जुड़ी खबरों के लिए यूनियन डेली न्यूज के साथ जुड़े रहे।